फ्रेंड्स, मैं हूँ यशस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आज हो रही है 25 दिसंबर। तो सबसे पहले तो आप सबको मैरी क्रिसमस। और आज हमारा प्लान कुछ और है, सडनली ही प्लान बन गया है और हम लोगों ने सोचा है कि आज डाकोर मंदिर जाके आते हैं, दर्शन करते हैं और बिटिया को भी दर्शन करवाते हैं। तो सब कुछ ही आप लोगों को दिखाऊंगी, किस तरीके से जाते हैं, वहाँ पर क्या क्या करते हैं और जो कुछ भी होगा सब कुछ इस व्लॉग में देखते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको आउटफिट दिखाती हूँ कि मैं कौन से आउटफिट स्टाइल करने वाली हूँ। तो ये है शाकी ब्रांड का मीडियम साइज का ड्रेस, अभी अभी मैंने इसे परचेस किया है और इसकी जो डिटेलिंग है वो बहुत ही सुपर है। पहनने के बाद ये ड्रेस बहुत ही सही लगता है, लाइट मस्टर्ड कलर में है, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है और इसका फिट जो है वो मुझे बहुत ही अच्छे से आ जाता है। और यहाँ पर इसकी और ड्रेसेस भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, इसकी पहले भी मैं एक ड्रेस स्टाइल कर चुकी हूँ। तो आप ये जो कलेक्शन है उसे एक बार ज़रूर चेक करें। आगे मैं आपको मेकअप एंड पूरा स्टाइल करके भी दिखाती हूँ। सडनली ही हमने सोचा था कि जाते हैं तो यहाँ पर मैं ना धोकर रेडी हो गई हूँ और सबसे पहले पहनती हूँ मेरी स्मार्ट वॉच। जब से मैं प्रेग्नेंट थी तब से मैं इस स्मार्ट वॉच का यूज़ कर रही हूँ और ये बोट की स्मार्ट वॉच है। इसका बेल्ट खराब हो गया था तो मैंने इसका ब्लैक बेल्ट वापस से डलवा दिया है। बाल भी मैंने वॉश कर लिए हैं क्योंकि आज बाहर जाना था तो मैंने सोचा कि चलो हेयर भी वॉश कर लेते हैं। एंड अभी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एलोवेरा जेल का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेकअप करना है और अभी प्राइमर वगैरह ढूंढने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं यहाँ पर मेकअप के प्राइमर के रूप में यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल का। ये एलोवेरा जेल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बायो ऑर्गेनिक ब्रांड का है एंड बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही सही, मतलब अगर मेकअप नहीं भी करना है होता है तो नहा के मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ जिससे स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है और ड्राई ना हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा लिया है, ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए तब तक मैं अपने बाल जो है उसे अच्छी तरीके से मतलब पोंछ देती हूँ। वैसे तो इतने जल्दी ये सूखेंगे नहीं, बट जो टाइम मिला है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे मेरी बेटी सो रही है तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप भी करूँगी। तो अगर आप भी मेरी ही तरह नई ममा है तो इस तरीके का लाइट मेकअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हमेशा ही यूज़ पहले मैं एकदम ही अच्छे से मेकअप किया करती थी, बट अभी बहुत टाइम से मैंने मेकअप किया नहीं है तो यहाँ पर मेरी स्किन अच्छे से प्रेप हो चुकी है। स्किन केयर मस्ट है तो स्किन केयर करना ही है। अगर आप यहाँ पर चाहे तो स्क्रीन भी लगा सकते हैं बट मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर मेरा मेकअप सिर्फ बीबी क्रीम की हेल्प से ही करूंगी एंड अभी मेरे ब्रशेस कहाँ पर पड़े हैं वो भी मुझे याद नहीं है तो मैं अपनी उंगलियों का ही यूज करके कर रही हूँ क्योंकि रात को अभी जगना बहुत ज्यादा हो जाता है तो मेरे डार्क सर्कल्स भी थोड़े से बढ़ गए हैं। तो क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े इसलिए मैं यहाँ पर मेकअप कर रही हूँ। मेकअप के बिना भी हम सुंदर ही लगते हैं बट यस, हमें अच्छा लगे इसलिए हम मेकअप करते हैं। तो यहाँ पर बहुत दिनों बाद मैं मेकअप कर रही हूँ और मैं फील कर रही हूँ मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े से बढ़ गए हैं, बट कोई बात नहीं है, धीरे धीरे मैं उसे भी सही कर दूंगी। बीबी क्रीम की सबसे अच्छी बात है कि बस उंगली से ही वो अच्छी तरीके से फैल जाता है, थोड़ा सा पाउडर लगा लिया और वो बहुत ही इजीली सेट हो जाता है। तो अगर आपको भी मेकअप करना बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप अपने पर्स में बीबी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बीबी क्रीम अच्छे से फैल जाएगी। बस ख्याल रखें कि बीबी क्रीम को कभी भी डायरेक्टली ना लगाए, कुछ ना कुछ बेस लगा ले, जैसे कि मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लगा लिया है, इस तरीके से कुछ ना कुछ बेस लगा ले। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी बीबी क्रीम जो है वो सेट हो गई है। आप देख सकते हैं कि चेहरे में एक इंस्टेंट ग्लो आ गई है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लिप बाम का। वैसे तो लिपस्टिक भी लगा सकते हैं बट ये वाली जो लिप बाम है उसमें एक अलग सा मॉइस्चर लेवल है तो लिप को वो अच्छे से मॉइस्चर बनाए रखेगा, इसलिए मैं यहाँ पर रेड कलर का जो लिप टिंट रहता है उसका यूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत ही सही सा मेकअप हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर काजल कर लिया, आईलाइनर लगा लिया और उसके बाद थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर मैं उसे सेट कर रही हूँ क्योंकि काजल जो है ना वो बहुत ही फेल जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा काजल शाम होते होते तो फेल ही जाता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर उसे भी सेट कर रही हूँ। एंड यस, आई एंड काजल जो मैंने लगाई है वो भी आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे मेरी चैनल पे, कौन सी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सब कुछ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। और उसके बाद क्योंकि मंदिर जा रहे हैं तो एक छोटी सी बिंदी तो बनती ही है तो मैंने यहाँ पर छोटी सी लाल कलर की एक बिंदी भी कर ली है। इस तरीके से मैं रेडी हो गई हूँ और अभी क्योंकि मेरी बेटी है तो मैं लेंसेस को निकालना और वो सब नहीं कर रही हूँ और चश्मे ही पहनना प्रिफर करती हूँ और ये चश्मे मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और क्योंकि चश्मे में मेरी आई थोड़ी सी सही लगे इसलिए मैं यहाँ पर मस्करा का भी यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैंने हाल ही में मायके गई थी तो ये एक रिंग परचेज की थी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है तो वो भी मैंने पहन ली है। मुझे लग रहा है कि इस आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छे से ये चली जाएगी। और अब बारी है बाल की तो मैं उसे भी थोड़ा सा सुखा रही हूँ। वैसे तो पंखा फास्ट करके मुझे उसे सुखाना है
बट इसी रूम में बिटिया रानी भी सो रही है, तो मैं थोड़ा सा इसी तरीके से गीले गीले बाल को ही थोड़ा सा सही कर रही हूँ। एंड अब सोच रही हूँ कि कौन सी हेयर स्टाइल बना लूँ। और नई मम्मा है तो ये सब कुछ तो जब तक बेटी सो रही है तब तक ही है, उसके बाद तो मुझे एक क्लचर ही लगाना पड़ेगा। तो एक क्लचर भी मैंने रख दिया और सॉक्स यहाँ पर स्टाइल कर लिए, एक सिंपल सी हेयर स्टाइल बना ली एंड मैं रेडी हूँ डाकोर जाने के लिए। तो हम लोग निकल पड़े और क्योंकि बहुत ही चलना रहता है बेटी को लेने लेके, तो मैंने शूज़ पहनना ही प्रिफर किया है। और देखिए हम लोग डाकोर पहुँच भी गए, शाम का टाइम हो गया था, 4 या 5 बजे हो गए जब हम मंदिर पहुंचे थे। और थोड़ा चलना भी होता ही है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा शूट करी। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब कुछ मिल रहा था, बर्तन मिल रहे थे, बैंगल्स मिल रही थी, क्लिप मिल रही थी, बच्चों के खिलौने मिल रहे थे, तो बहुत सारी शॉपिंग्स वहाँ पर थी। आगे मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी करने वाली हूँ, पर सबसे पहले सोचा कि मंदिर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो बिटिया रानी अभी मेरे पास आ गई है, मेरे बाल जो है वो थोड़े से बांध लिए है। एंड यस, मतलब हमने सोचा था कि क्रिसमस का दिन है तो उतना भीड़ वगैरह नहीं रहेगा, बट वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। हमने प्रसाद ले लिया और उसके बाद चल पड़े मंदिर में। मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग ही तरह की मतलब शांति मिलती है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर में जाना। तो यहाँ पर अभी मैंने हेत को बोला कि तुम बेटी को ले लो, मैं थोड़ा सा शूट करती हूँ, थोड़े से रिलैक्स रहती हूँ। और इतना भीड़ था कि मतलब सब कुछ ही देखना भी था। तो यहाँ पर हमने मतलब हम वेट कर रहे हैं, पापा कुछ प्रसाद ले रहे हैं। और तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ मंदिर किस तरीके से था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये है डाकोर का मंदिर जिसे रणछोड़ जी बोला जाता है, तो बहुत सारे भक्त यहाँ पर थे। और अभी कोविड का भी थोड़ा सा हो गया है तो हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बट पापा ने बोला कि चलो जाके आते हैं, रणछोड़ जी के दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए कितनी खुश थोड़ी सी शूट कर रही हूँ एंड मुझे मेमोरीज़ कलेक्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो फाइनली ये सारी मेमोरीज ही है, मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो ये सब मेमोरीज ही होगी। तो हम उसे फर्स्ट टाइम इस तरह डाकोर के मंदिर में ले गए थे। तो यहाँ पर दादाजी बिटिया को बुला रहे हैं और अभी जा रहे हैं, ये लड्डू के प्रसाद भी आ गए हैं भगवान को लगाने के लिए। एंड फाइनली हम लोग वेट कर रहे थे कि मंदिर कब खुले, एंड आई थिंक शाम के 5 बजे 5:15 बजे हमें दर्शन हो गए थे। अभी हम बाहर आ गए हैं और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। तो हमने सोचा कि बस अब निकल जाते हैं, तो वापस से अब हम जा रहे हैं, वहाँ पर एक घाट भी है जहाँ के दर्शन करने हैं। तो ये वो मंदिर है, हम सब चलते चलते जा रहे हैं। बीच में बहुत अच्छे अच्छे पर्स मिल रहे थे, इतनी अच्छी शॉपिंग यहाँ पे थी, मंगलसूत्र भी बहुत ही सही मिल रहे थे। बट क्योंकि मैंने बेटी को लिया हुआ था तो हमने उतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बट मैंने और सासू माँ ने सोचा कि एंड में हम थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे। तो अभी तो हम जा रहे हैं घाट की ओर क्योंकि हमें थोड़ा सा सनसेट भी देखना था, अभी शाम का टाइम हो रहा है तो सनसेट भी देखना था और दर्शन भी करने थे। और इस तरीके से हम चल पड़े और यहाँ पर लोग मतलब मछली को खिलाने के लिए बिस्किट रख रहे थे और सब कुछ यहाँ पर मिल रहा था। और कान्हा जी के कपड़े तो इतने सही मिल रहे थे, हमने कान्हा जी के कपड़े परचेज भी किए हैं, वो भी आगे मैं दिखाऊंगी कि कान्हा जी के कैसे कपड़े हमने परचेज किए हैं। हमारे घर में भी कान्हा जी है, मम्मी जी जो है वो कान्हा जी को मतलब सब कुछ ही उसकी सेवा वगैरह करती है। तो देखिए कितना अच्छा घाट है, यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब एकदम ही जो सुकून वाली फीलिंग होती है वो आती है। यहाँ पर वैसे आप चाहे तो बोटिंग भी कर सकते हैं, बट क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था और मेरी बेटी को ज़्यादा ठंड ना लगे इसलिए हमने सोचा कि हम बोटिंग वगैरह नहीं करेंगे, बस यहीं से सब नज़ारा देख के निकल जाएंगे। मैंने सोचा कि आपको आउटफिट एक बार दिखा दी दूँ। तो स्टाइल करने के बाद आउटफिट कुछ इस तरीके से लग रहे थे, बहुत ही कम्फर्टेबल, न्यू मामा के लिए एकदम ही बेस्ट थे। और इसकी जो डिज़ाइन थी, इसका जो मतलब आउटफिट जिस तरीके से रफल स्टाइल में बनाया गया था वो भी मुझे बहुत ही सही लगा। और उसके बाद डाकोर जाए और गोटा ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। डाकोर के मतलब गोटा जो होते हैं वो बहुत ही फेमस रहते हैं। तो पापा जी लेके आए और हम सबको भी जम के भूख लगी थी, तो यहाँ पर दही है, चटनी है और उसके साथ डाकोर के गोटे खा मतलब हम लोग खा रहे हैं और बहुत ही स्पाइसी एंड टेस्टी होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बोला जाता है कि ये वाले जो है वो सिर्फ डाकोर में ही मिलते हैं और कहीं पर नहीं मिलते हैं। तो मैंने बोला कि भाई और एक प्लेट ले लो, मैं अच्छे से खाऊंगी, मुझे मिर्ची खाना बहुत ही अच्छा लगता है। क्या आपको भी हरी मिर्च पसंद है? अगर पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और उसके बाद हम वापस से आ गए, रात के 10-12 बज रहे होंगे। आके ही हमने कान्हा जी को गर्म कपड़े पहना दिए जो कि हमने वहां से लिए हैं। और उसके बाद और भी कुछ कपड़े हमने परचेस किए हैं, तो ये हमें सिर्फ 20 रुपीज में ही एक मिल गया। तो यहां पर शायद पापा जी ने डिफरेंट डिफरेंट कलर के 5 कपड़े लिए थे,
पहनने के बाद ये इतने सही लगते हैं और इसके कलर्स इतने सही थे कि मुझे तो बहुत ही सही लगे। और भी कुछ शॉपिंग की है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बट मुझे कान्हा जी के कपड़े एकदम ही सही लगे। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा वो जो गुलाबी कलर पर्पल कलर का था वो लगा। और हमने ये छोटी सी एक पगड़ी भी ली है, वहाँ पर ये सारा सामान बहुत ही सही मिल रहा था तो मुझे ये बहुत ही सही लगा, तो मैंने एक ये भी लिया। ये भी शायद 20 रुपीज़ में ही मुझे मिल गया था। यस, तो अभी बज रहे हैं रात के 12। हम लोग आ गए हैं, सारा ही घर का जो थोड़ा बहुत काम था हमने निपटा लिया है। वैसे हम जब तक वापस आए तब तक देवर जी ने ऑर्डर करके रखा था तो हमने आके खाना ही खा लिया। तो खाना बना बनाना नहीं था, बस थोड़ा बहुत काम था और निपटा लिया। और यस, अब आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी शॉपिंग जो कि मैंने वहाँ से की है। तो सबसे पहले तो मैंने लिए है ये प्यारे से बैंगल्स जो कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ में ही मिल गए हैं। यस, बहुत ही सही बैंगल्स, मल्टी कलर्स है तो हर एक के साथ चल जाएंगे। एंड दूसरी चीज़ जो कि आपको दिखानी है वो है ये प्यारा सा बैग। इतना बड़ा बैग है, आप देख सकते हैं। एंड यस, ये मुझे सिर्फ एंड सिर्फ 100 रुपीज़ में ही मिल गया है और इतना स्पेसियस है, आप देख सकते हैं। तो बस इसी के साथ ये जो व्लॉग है वो मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंस अगेन मैरी क्रिसमस। एंड इस मैरी क्रिसमस पे मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको जो सही लगता है वो चीज़ कीजिए, आपको जिसमें हैप्पीनेस मिलती है वो चीज़ कीजिए, जिससे आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास के खुश लोगों को भी आप खुश रख पाएंगे।